ऑनेस्टली बताना है एक महीने में कितने कमाए, झूठ नहीं बोलना। देखो भाई साफ बात है ना, अभी आई नहीं है पेमेंट, लेकिन 6 डिजिट तकरीबन है, 6 डिजिट लाखों में, लाखों में माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं देखी है। लीथल स्नाइपर के हवाले से, जब उसके 12,000 फॉलोअर हुआ करते थे, तो तब मैंने उसके लिए वीडियो बनाई और फिर मेरी पब्लिक ने जो प्यार दिखाया उसको, 12,000 से 44,000 फॉलोअर, मैंने सिर्फ बोला 8,000 फॉलोअर दिखाओ, 44,000 फॉलोअर मतलब तकरीबन 32,000 फॉलोअर उनको कुछ हफ्ते में मिले। और फिर लाइव स्ट्रीम भी जिनको स्पॉन्सर्स मेरे, स्टार्स मेरे, मतलब इनकी अर्निंग और मतलब सही बनना स्टार्ट हो गया। तो आज हम लीथल स्नाइपर से मिलने वाले हैं। तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने खानू भाई को बोला यार घर में कढ़ाई पका के आना और डुंगिये में रखना, डुंगिये वाले सिर्फ पश्तून समझ सकते हैं, हॉट पॉट उसको हम, थैंक यू, हॉट पॉट उसको बोलते हैं, उसमें हमने कढ़ाई वढ़ाई रखी हुई है। तो अब हम उठाने वाले हैं लीथल स्नाइपर को, फिर उसके बाद लीथल स्नाइपर का जो है रिएक्शन देखेंगे कि यार 12,000 फॉलोअर पहले से आपकी अर्निंग क्या थी और कैसा रिएक्शन था, और अब मेरी पब्लिक ने जो आपको सपोर्ट दिखाया अब क्या रिएक्शन है। तो हमारे साथ जुड़िए। लीथल स्नाइपर को हमने मैसेज किया कि बस हम घर के नज़दीक है, तो आइए। जैसे हम बाहर उनके घर खड़े हो गए, तो यहाँ पे कुछ नन्हे मुन्ने फैंस यहाँ पे आ गए, दुआ सलाम करने आ गए उनको। वो पार्क के लिए टैक्सी पे जा रहे थे, तो वो आके सलाम दुआ की। फिर जो है ये लड़का जैसे मतलब कि हमने कुछ तस्वीर निकालनी है, मिलने के बाद मैंने कहा क्यों नहीं मिल लेते हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि तुम टैक्सी में कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है, घर वाले नहीं है, टैक्सी वाला कौन है, कहते हैं टैक्सी पकड़ के हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा ओके हो गया, तस्वीर खींच लेते हैं। तो एक दी तस्वीर उसने नहीं ली, फिर कैमरामैन साहब कहते हैं मेरा तस्वीर कहाँ गया, कैमरामैन भी बीच में आ गया, छोटू मोटू भी आ गया, तो इनमें से पीछे एक और भी बंदा आ गया जो वेट कर रहा था तस्वीर का, इसी भाई इसी बीच में लीथल स्नाइपर को भी हमने कॉल किया था कि आपने जल्दी आना है, हम तेरे घर के साथ नज़दीक हैं। तो यहाँ पे पिक्चर खींचने के बाद मैंने सबके साथ दुआ सलाम की और मैंने कहा अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि इनके घर वाले बड़ा इनके साथ कोई नहीं था। तो यहाँ पे फिर नमूदार हो गए हैं लीथल स्नाइपर भाई। तो भाई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं लीथल स्नाइपर भाई, पहले वेलकम बैक टू हमारे खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे। और अब ये बताओ कि ये पहले ये बताओ कि जब 12,000 फॉलोवर थे आप कैसी स्ट्रीम करते थे और आप कैसी वीडियोस बनाते थे, मतलब वो एक्सप्लेन कर दो।
यार देखो, जैसे कि आपको पता है मैं स्ट्रीम काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो एक मतलब आदत सी हो गई थी कि भाई बस बिल्कुल चिल रिलैक्स, मुझे पता है चैट में कोई ज़्यादा बात ही नहीं करेगा वगैरह वगैरह, फुल चिल सीन था। फिर अचानक भाई 300-400 वॉचिंग के साथ, मतलब मैं कहूँ भाई, मतलब हर एक मेंटेलिटी वाला बंदा आता है, कोई जज करने आता है, कोई अप्रिशिएट करने आता है, तो हर तरीके के बंदे आते हैं, तो उसमें हल्की फुल्की मुश्किल तो होती है, लेकिन शुक्र है मतलब मेरी प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो इसीलिए ना मेरे लिए इतना मसला नहीं खड़ा हुआ। लेकिन एक जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मतलब वीडियोस भी जल्दी जल्दी ना रहे, पहले तो चलो एक हफ्ते में एक वीडियो डाल ली तो बस मसला नहीं होता, मसला नहीं होता था। अभी तो रोज़ मतलब लोग मांगते कि भाई मीम्स किधर है, स्नाइपिंग किधर है वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से फिर बहुत मुश्किल। अच्छा, मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैंने जब आपकी वीडियो देखी, फिर मैंने उसकी रिएक्शन दिया, मैंने जो जो लफ्ज़ बोला था सही रियलिस्टिक था, फिर मैंने लगा यार 12,000 से 20,000 का सफ़र मुश्किल नहीं है, दो दिन में या फिर महीने में 20,000 फॉलोअर लेना, लेकिन मैंने बड़ा रिस्क लिया, मैंने कहा नहीं यार हो सकता है, लेकिन जिस तरह से 20,000 से 30-40 फिर 44,000 तक, हाँ, तो फिर ये इतनी ज़्यादा लोग आके DM आके कमेंट्स आके, क्या रिएक्शन था? पहले तो देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि भाई ने एक प्रमोशन टाइप किया, तो मैंने कहा भाई बाकियों की प्रमोशन की तरह होगी, एक दिन ऑडियंस आ जाएगी चले जाएगी, रेड वेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा बस खत्म, एक दिन आएंगे, दो दिन आएंगे, तीन दिन आएंगे, लेकिन माशाल्लाह से 99% मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है ना कि बस मुझे यकीन नहीं आता भाई, मेरा DM 9+ हर जगह पे लोग रीच आउट कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताना, एक महीने में कितने कमाए? देखो भाई साफ बात है ना, अभी आई नहीं है पेमेंट, लेकिन 6 digit तकरीबन है, 6 digit लाखों में माशाल्लाह। बीकल भाई कह रहे हैं महीने में इसने लाखों कमाए हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब ये हम ना चीज लोग हैं, यही ऑडियंस है, तुम्हारी स्ट्रीम भी जाती है, मेरी स्ट्रीम भी जाती है, इसमें कोई वो मसला नहीं है, लेकिन मेरी जो पब्लिक है ना, मैं उस वक्त शौक हो गया था यार, इतनी ज़्यादा पब्लिक मेरी एक रिक्वेस्ट पे उधर गई है, उधर फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सो मेरी पब्लिक जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से भी दिल से शुक्रिया मेटल भाई का भी, मेटल की पब्लिक का भी, और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ जिसने इस मकाम पे लाके खड़ा किया। मेटल आर्मी थैंक यू सो मच एंड प्राउड टू कि आप हमारे फॉलोवर हैं, और इस नाइकीज बनने की बात सुन के आपने इतने बड़ा सपोर्ट दिखाया, अभी भी सामने मौजूद हैं, फिर भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया तुमने पेड किए, प्रमोशन लिए, कुछ ना कुछ नहीं, लेकिन ये सामने है, ऐसा कोई सीन नहीं है। थैंक यू सो मच पब्लिक, और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस दादा की शोर कही तो गाइज ये जो जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड की गई है लिटिल भाई स्नाइपर की, तो उसका कैमरामैन था ये भाई, उसको सही दौड़ाया है, सही शॉट वॉट ली है, तो थैंक यू सो मच। और हाँ, खानू भाई का यूट्यूब का चैनल है ना, ये हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो करना ये है कि बस ये कुछ ही सब्सक्राइबर रहते हैं जितने भी देख रहे हैं, तो मेरी तरफ से जाए वहाँ पर, जब भी लाइव स्ट्रीम करेगा अपने वहाँ से बोलने लगा प्रो मेटल, और सब्सक्राइब करके आने मुझे बताने, ठीक है? कैसा लगा वापस कट कर खराब कर? सो बागे नारान में खाना खाने के बाद हम सीधा किधर जाएंगे? हम जाएंगे फूड स्ट्रीट हैदराबाद, वहाँ पे अपनी नशा करेंगे, मतलब चाय पियेंगे। और हमारी सीवे किधर है? ये है हाँ। तो भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि चाय की जगह हमने लस्सी ऑर्डर की, खानों के लिए नमकीन, और हम दोनों ने मीठा लस्सी
ऑर्डर किया, तो आप क्लोज शॉट भी आपको दिखाएंगे, तो वो खूब सारा इंजॉय करके आज हमारी यही स्टोरी खत्म होती है। व्लॉग टाइप नहीं थी, एक स्टोरी टाइप थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत नजर आ रहा या फिर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो आपने जुलम किया, एक मरतबा वीडियो जरूर लाइक करके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही जुलम है, तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगी। एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।